हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम अच्छे होंगे। एंड मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। और काफ़ी टाइम बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कैमरा उठाया है व्लॉगिंग करने के लिए, कुछ टाइम से मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं कैमरा भी उठाऊँ एंड कुछ व्लॉगिंग करूँ। मेरा मतलब अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही थी व्लॉगिंग करने की। कल अराउंड 2 or 3 AM मॉर्निंग में मैं अपनी फ़्लाइट से आई हूँ। मैंने इस फ़्लाइट को बिल्कुल इन्जॉय नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये मल्टी सेक्टर फ़्लाइट थी, दुबई टू बार्सिलोना, एंड देन 48 आवर्स का लेओवर बार्सिलोना में, एंड देन वहाँ से मैक्सिको, फिर मैक्सिको से वापस बार्सिलोना, एंड देन यू नो लेओवर्स। आई फील लाइक कि मैं क्यों ही हूँ इधर। मेरे को ना बस दुबई आना था। मैं मरी जा रही थी दुबई आने के लिए। मेरे को ऐसा था कोई तो मुझे ले चलो वापस। एंड ऑफ कोर्स आप में से लोग सोच रहे होंगे कि यार मेरे को घूमना इतना पसंद है, ये सब चीज़ें ऐसे सेट कि यार ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप हर चीज़ को इंजॉय करो। स्वेयर, कल जब मैं दुबई आई हूँ ना, इतनी एक्साइटेड, तो मैं फर्स्ट टाइम दुबई आई थी ना, तब भी नहीं थी जितनी कल एक्साइटेड थी। एंड मतलब सारे क्रू इतने खुश रहे दुबई आने के बाद, दे आर लाइक कि कहीं से तो बस आ ही जाए हम लोग। एंड आई वॉज मिसिंग माई बेड, माई रूम, माई पिलो, माई वॉशरूम, माई किचन, एवरीथिंग। मुझे ऐसा था ना कि बस मेरे को अपने घर जाना है, मेरे को अब नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं झेला जा रहा है, मुझे लेके चलो। सो आई रियली हैड अ गुड स्लीप दिस मॉर्निंग एंड आई स्लेप्ट टिल आफ्टरनून। सो मैं बहुत अच्छे से सोई हूँ। एंड उठने के बाद अभी ऐसा लग रहा था कि अभी क्या करना है, तो मैंने पहले ही प्लान करके रखा था, मुस्कान सिंह यू गोना गो ऑन अ डेट। सो आगे की बात सुन लो, आई एम गोइंग ऑन अ डेट विद मी, बिकॉज अभी इस टाइम पे अगर कोई मेरे को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे सकता है तो वो मैं खुद हूँ, जो अपने आप को स्पेशल फील करा सकती हूँ। सो आई एम गोइंग फॉर अ मूवी डे एंड बाहर ही आई एम गोना हैव द डिनर। सो अभी आई एम कन्फ्यूज बिकॉज मैंने एकदम रात की टिकट्स बुक की हैं। एंड काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि मुस्कान कभी मूवी देखने अकेले जाना। गाइज, डू यू थिंक मैंने नहीं किया होगा? मुझे अकेले चीज़ें करना इतना पसंद है ना। मैं बहुत बार मूवी अकेले देखने जा चुकी हूँ, बट इट्स जस्ट दैट कि मैं बस ऐसे ही चली जाती थी, मन किया उठ के चली गई। नाउ आई विल गो एंड गेट रेडी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। आई रियली वॉन्ट टू मेक दिस स्पेशल फॉर मी बिकॉज आई डिजर्व दिस आफ्टर दिस लॉन्ग 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 फ्लाइट। वेल, चपर चपर को करते हैं हम यहाँ पे बंद। तो मैं यही कह रही थी कि या आई डिजर्व दिस ट्रीटमेंट बिकॉज और उससे आगे कुछ नहीं। सो चपड़ चपड़ को कहते हैं यहाँ पे बंद एंड आज का नया दिन स्टार्ट करेंगे। वेल, दिन जा चुका है। कल रात को मैं आई थी, मतलब ऑफ कोर्स रात ही हो रही थी, एंड देखो फिर से रात हो गई, मतलब दिन कहाँ गया। वेल, साइड इफेक्ट्स देख रहे हो फ्लाइट्स के, मेरे दिमाग में बहुत बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा है। वेल, आज की नई रात शुरू करेंगे एक नए व्लॉग के साथ। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड एंजॉय द व्लॉग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सुपर कन्फ्यूज कि मैं क्या पहनूं। एक तो मैं रात को मूवी देखने जा रही हूँ, एंड मैंने पहले सोचा मैं कुछ ऐसे पजामा डाल के चली जाती, बट देन आई वाज लाइक मुस्कान यू आर गोइंग ऑन अ डेट, यू कांट वेयर पजामा ऑन योर डेट ऑफकोर्स। सो मैं पहनूंगी ये ड्रेस और इसके ऊपर से लूंगी जैकेट ताकि मैं ठंड में कांपते कांपते मर मुरा ना जाऊं वहां पे। सो मतलब मैं ना सोच रही हूँ कि ऊपर से तो चलो ठीक है, नीचे जो ठंडी लगी होगी उसका क्या करना है मेरे को, तो सोचो कंबल भी लेके चली जाऊं कि अपने साथ वहां पे मस्त से बिछा के लेट के देखूंगी। बट नहीं, ऑफकोर्स मैं क्या कर सकती हूँ ना, आई एम गोना वेयर दिस एंड इसके ऊपर से हुडी एंड आई विल टेक माई हैंड बैग एंड उसमें ना मैं अपनी शॉल रखूंगी, सो दैट अगर मुझे ठंडी लगी ना तो मैं अपने पाँव ढक के लाइक यू नो आई कैन फील कम्फर्टेबल एंड वार्म ओवर देयर। Thank you.
सो आई गॉट रेडी एंड आई नो मैं कुछ और पहनने वाली थी. फोन इतना शेक क्यों हो रहा है? स्टॉप. ओके सो दिस इज माई आउटफिट. दूर से यहाँ से देखिए. सो दिस इज माई आउटफिट एंड आई नो मैं कुछ और पहनने वाली थी बट देन मेरी ड्रेस फट गई. कैन यू इमेजिन? मेरी टांगों ने इतना जेलस फील किया कि ये हमारे बारे में तो सोच ही नहीं रही है. सो ड्रेस ही फट गई. इतनी शिद्दत से दुआ मांग रहे थे. सो बट आई एम हैप्पी, लाइक आई एम वेयरिंग समथिंग कम्फर्टेबल. सो ऊपर के लिए हम जस्ट वांट टू कैरी दिस जैकेट सो दैट इन केस मुझे ठंडी लगी सुपर सुपर से मेरे को जैकेट डालना है. एंड आई एम रेडी. जस्ट डू लेट मी नो दैट हाउ आई एम लुकिंग. एंड या मैं अच्छी लग रही हूँ बिकॉज मैं बहुत प्यार से तैयार हुई हूँ. एंड जब मैं ऐसे रेडी हो जाती हूँ ना, आई डोंट नो, मुझे अपने आप ही स्पेशल फील होने लगता है दैट हाँ आई फील वेरी गुड. लाइक जब मैं थोड़ा सा अच्छे से रेडी हुई होती हूँ. आई डोंट नो अभी टाइम हो क्या रहा है बाय द वे. सो या एंड यू गॉना लीव नाउ. सो लेट्स गो. आई एम एक्साइटेड. एंड आप लोग ये गेस करो कि मैं कौन सी मूवी देखने जा रही हूँ. वेल पता तो चल ही जाएगा आप लोगों को अभी थोड़ी देर में. बट स्टिल गेस ये कौन सी मूवी देखने जा रही हूँ. एंड लेट्स गो. मैं नजर ना लगे. मम्मी कई बार कहती है ना, तो कई बार खुद को देख के ज्यादा खुशी मिलती है ना, कि कई बार खुद की नजर लग जाती है. सो एक बार ऐसे अपने ऊपर थूक लेना चाहिए. आई मीन लाइक थू 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 कर लेना चाहिए सो दैट नज़र ना लगे मुझे मेरी. एंड चलो चलते हैं. अदरवाइज मूवी की जगह ना मैं आज खुद को ही देखती रह जाऊँगी. आई जस्ट हैव टू टेक माई वॉलेट एंड देन वी आर गुड टू गो. I swear I'm feeling much better than yesterday. And it's already 11:30 and movie gonna start at 11:50. So I am on time and I'm about to reach the mall as well. So I'm up there. The best part hai raat ko aane ka ye ki koi aapko milta hi nahi hai. यही चीज का डर लग रहा है. फिनिश एंड अभी आई एम गोइंग बैक. और इतना कोजी वेदर हो रखा है बाहर, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है. मेरा मन कर रहा है मैं थोड़ा वॉक करूँ. एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्या मैं साइकिलिंग के लिए जा सकती हूँ अभी. बट द थिंग इज दैट आई एम वेयरिंग हील्स एंड हील्स में साइकिलिंग तो नहीं हो पाएगी मेरे से. सो लेट्स सी, पहले घर चलते हैं, हील्स उतारते, देखते हैं अगर थोड़ी सी हिम्मत होगी. बाहर बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रखा है एंड आई फील लाइक आई शुड गो फॉर साइकिलिंग. एंड द गुड थिंग इज दैट करीम बाइक्स आर राइट देयर. सो आई एम बैक एंड मैंने डिसाइड किया आई एम नॉट गोइंग फॉर साइकिलिंग. मैं कल जाऊंगी साइकिलिंग के लिए.
क्योंकि जाने से पहले मैंने घर में जो कवाड़ा फैलाया रेडी होते होते, कम से कम मैंने कितने सारे आउटफिट चेंज किए। पहले आउटफिट मेरा वो उसका स्ट्रिंग टूट गया था, एंड देन उसके बाद इतना कन्फ्यूजन हो रहा था क्या पहन के जाऊँ क्या पहन के जाऊँ। सो मेरा घर कचरा हो रखा है जिसको साफ मुझे ही करना है। बस मैंने सोचा है कि अभी फ्रेश होके एटलीस्ट जो चीज़ें हैं जहाँ पे उसको वापस से उसकी जगह पे रख के, एंड विल कंटिन्यू दिस व्लॉग टिल टुमारो बिकॉज ऑफ कोर्स रात हो गई तो आई एम गोना स्लीप एज वेल। सो यस स्टे ट्यून, मैं कैसे कबाड़न हो गई हूँ। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। सो लास्ट नाइट आफ्टर मूवी घर आने के बाद काफ़ी लेट हो गया था, एंड सोते सोते भी मुझे काफ़ी लेट हो गया था। एंड दिस मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप आई वाज नॉट फीलिंग गुड, आई वाज फीलिंग लो लो, बट ऑब्वियसली एवरी डे इज़ अ न्यू डे, नॉट एवरी डे इज़ अ सेम डे। समटाइम वी फील गुड एंड समटाइम वी फील बैड, समटाइम वी फील लो। सो दैट्स लाइफ एंड दैट्स द एनर्जी। बिकॉज आई वॉज फीलिंग लो सो आई वॉज लाइक लेट्स स्टार्ट क्लीनिंग, बिकॉज आई न्यू दैट क्लीनिंग इज समथिंग विच कैन डाइवर्ट माई माइंड एंड मूड, एंड एट सम पॉइंट आई विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। सो मस्ट मैंने टी वी पर ऐसे म्यूजिक लगाया एंड देन आई स्टार्टेड माई क्लीनिंग, बिकॉज जब म्यूजिक चल रहा होता है ना तो कई बार काम का भी पता नहीं चलता है एंड जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। हे गाइस, सो आई एम बैक अगैन विद अ कप ऑफ टी, नॉट अ कप ऑफ टी, विद अ मग ऑफ टी। मेरे लिए कप ऑफ टी कुछ भी नहीं होता है, मेरे को पूरा मग चाहिए होता है भर के। और मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट पहले से काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया चाय, बट मुझे एक दिन में एक मग चाय की चाहिए ही होती है, ऐसा हो गया है। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग आउट, एंड जैसा कि मैंने बोला था सुबह मेरा मूड थोड़ा सा लो लो सा था, बट नाउ एम फीलिंग मच बेटर। नाउ आई एम गोइंग आउट फॉर शॉपिंग बिकॉज आई हैव फ्लाइट टुमारो, सो मुझे उसके लिए कुछ सामान लेना है। एंड घर भी इतना पॉजिटिव सा हो रखा है ना, जब साफ सफाई हो जाती है एंड कैंडल्स होते हैं ना, बहुत पॉजिटिविटी रहती है, एंड मेरे को अपने अराउंड ना ऐसी पॉजिटिविटी पसंद है। थोड़ा सा भी मेरे को लो लगता है तो मैं तुरंत ट्राई करती हूँ कि उस वाइब को चेंज कर दूँ। या सो नाउ आई एम गोइंग आउट एंड आई एम गोना एंड दिस व्लॉग हियर। सो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर देना, नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई फोर्स नहीं है। एंड नाउ आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज स्प्रेड लव, पॉजिटिविटी एंड पीस। बाय बाय।